नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शेयर्स के बारे में जिसमें अभी आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखने मिल सकता है। दोस्तों ये 5 शेयर्स है, इन 5 शेयर में अगर अभी आप इसमें इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। काफ़ी अच्छे प्राइस पर ये सारे शेयर्स मिल रहे हैं। तो देखिए, पहला शेयर है हमारा डेन नेटवर्क, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। इसका OFS आया था जो कि 45 रुपीज पे था और अभी ये आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रहा है। आज देख सकते हैं 3.60 रुपया ये ऊपर है, 8% का इसमें देख सकते हैं तेजी देखने मिला है। अगर 5 डेज में देखें तो ये देखिए यहाँ से मूवमेंट पकड़ा है 43.85 रुपये से और यहाँ से ये ज़बरदस्त रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो OFS आया था जिसके कारण इसमें शार्प गिरावट देखने मिला था, बहुत तेज गिरावट इसमें देखने मिला था। अगर देखिए यहाँ 6 महीने का हम इसमें चार्ट करते हैं, ये स्टॉक लगातार यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन जैसे 60 रुपये से ये ऊपर जाने की कोशिश करते वहीं पर OFS का अनाउंसमेंट होता है। OFS के कारण इस स्टॉक में एक शार्प गिरावट आया क्योंकि जो OFS का प्राइस था 45 था तो शेयर प्राइस वहीं एडजस्ट हो गया। जब भी किसी कंपनी में आपको OFS देखने मिलता है ऑफर फॉर सेल, जिस प्राइस पर होगा देखिए शेयर का प्राइस उसी प्राइस पे गिर के आ जाएगा। तो ये तो यहाँ से नीचे भी गिर के गया था, देख सकते हैं 43.25 रुपीज़ यहाँ से इसमें ज़बरदस्त तेजी देखने मिला है और ये यहाँ तक मिनिमम कहिए 60 रुपीज़ तक ये आ सकता है। अगर 60 रुपीज़ के ऊपर निकला तो फिर आपका इसमें जो टारगेट होगा 70 रुपीज़ का। तो ज़बरदस्त यहाँ से रिटर्न परसेंटेज आपको मिलने वाला है, लगभग अगर 60 रुपीज़ भी जाता तो यहाँ से 20% से ऊपर का रिटर्न मिलेगा। अगर आपको यहां से चला जाता है 70 रुपीज़ तो आपको और 40% कहीं अप्रॉक्स 50% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। तो जबरदस्त पोटेंशियल है इस स्टॉक में, आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है HLE ग्लासकॉट, ये भी काफी बेहतरीन शेयर है। इसका करेंट प्राइस देख लीजिए 3,377 रुपीज़। कई बार मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड भी किया, काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। इसका भी रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त आया था, जब से रिजल्ट ज़बरदस्त आया ये स्टॉक लगातार तेजी में है। देखिए 1 मंथ का चार्ट लगाते हैं, देखिए ये स्टॉक यहाँ 2200 रुपये पर था और 2200 से यहाँ देखिए ज़बरदस्त रिटर्न दिया 50% का। अगर और आप देखेंगे पीछे तो ये 1400 के आसपास ये स्टॉक था, वहाँ से रैली किया है। देखिए यहाँ पर हम 1 ईयर का चार्ट करते हैं तो 1400 के आसपास मैंने इस स्टॉक को बताया था, ये 1400 पे लगभग काफ़ी समय से ये कंसोलिडेट हो रहा था और वहीं से ये स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी देखने मिला। पहले NSE का चार्ट था, NSE पर आप चार्ट देखेंगे तो आपको नहीं दिखाएगा। देखिए हम अब BSE पे आ चुके हैं, BSE के चार्ट पर देखें, देखिए ये स्टॉक देखिए लगातार यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखिए 1300, 1400, 1500 इसी रेंज में लगातार ये कंसोलिडेट हुआ। सितंबर 2020 से लेकर के देखिए फरवरी 2021 तक, इतने लंबे समय तक ये इसी रेंज में स्टॉक रहा और यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया तो देख सकते हैं यहाँ से ज़बरदस्त रिटर्न देखने मिला 146%। तो ऐसे ही मल्टी बैगर रिटर्न वाले स्टॉक चाहते हैं तो इस चैनल को लगातार देखते रहिए, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखने मिलेंगे जिसमें आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। तो अगला स्टॉक है हमारा इंडिया मार्ट इंटरमेस, ये भी स्टॉक मैंने 2000 प्राइस से रिकमेंड किया था जिसमें आप अगर इन्वेस्ट किए रहते तो अभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ये जो है 10000 तक गया था ये स्टॉक, 10000 से लगातार कंसोलिडेट लगातार गिरावट देखने मिला और अभी ये स्टॉक देख ले 7650 रुपीज़ में मिल रहा है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि ये स्टॉक जो है ये इसका सपोर्ट लेवल था लगभग 8000, यहाँ से गिरेगा तो ये 5000 तक आ सकता है। तो ये 5000 तो नहीं गया लेकिन 6500 तक गया, वहाँ पर ये मतलब सपोर्ट लिया और वहाँ से ये स्टॉक वापस आ चुका है। अब अगर ये 8000 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो समझिए स्टॉक अप ट्रेंड हो चुका है, स्टॉक में रिवर्सल हो चुका है, या यहाँ से कंसोलिडेट होकर फिर से गिरावट होता है तो फिर ये या तो 6500 जाएगा या तो 5000 तक जा सकता है। अगर यहाँ से ये 8000 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो निश्चित है ये स्टॉक अब यहाँ से बुलिश हो जाएगा, तो फिर आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी करें SIP मोड में करें क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी मतलब महंगे स्टॉक्स है, जो हाई वैल्यू वाले स्टॉक है उसमें रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा अगर यहाँ से तेज़ी बनी रहती है। देखिए ये स्टॉक भी 2000 के प्राइस के आसपास था जब पिछले साल से मैंने इसमें रिकमेंड किया, वहाँ से देखिए अभी भी आप इन्वेस्टेड रहते तो 250% का रिटर्न मिलता है। काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, इस स्टॉक पे भी नज़र बना रखिए, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिला है। अगर 1000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको इसमें
10,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। अगला है हमारा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, इसका भी रिजल्ट जो है काफी जबरदस्त आया है। 550% नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने मिला, नेट प्रॉफिट जो है उसमें 550% से अधिक का ग्रोथ देखने मिला है। इतना जबरदस्त नेट प्रॉफिट में जंप है, निश्चित है इस स्टॉक में आने वाले समय में एक जबरदस्त तेजी देखने आपको मिलेगा। इसे देख लीजिए, इस स्टॉक में हमने पहले भी वीडियो बनाया था, ये इसी रेंज में लगातार कंसोलिडेट हो रहा था 320-360 रुपीज के बीच में। जब इस रेंज को ब्रेक किया तो देखिए इसमें लगातार ये अब मतलब अब मोमेंटम में ये स्टॉक आ चुका है, और यहाँ से देख लीजिए ये लगभग 900 का जो है हाई बना चुका है, लगभग 900 तक ये स्टॉक गया था। तो कितना जबरदस्त है ये स्टॉक, यहाँ से देख सकते हैं इसका में जो आपको अभी भी रिटर्न मिलता 170% का, अगर अभी तक आप बने रहते हैं तो 170% का इसमें रिटर्न आराम से मिलता आपको। तो काफी जबरदस्त है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट जो है उसमें नेट प्रॉफिट में काफी जंप देखने मिला है। तो निश्चित है ये स्टॉक अभी जो रिजल्ट आया है 12 मई को आया है, तो वहाँ से ये इस स्टॉक में कोई खास मोमेंटम देखने नहीं मिला है, तो आने वाले समय में इसमें आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो जब भी गिरावट मिले तो आप इसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को थोड़ा कंट्रोल में ही रखिएगा क्योंकि ये स्टॉक कुछ खास पुराना नहीं है, नया है। जैसे जैसे कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करता जाएगा वैसे वैसे आपको इस स्टॉक में मूवमेंटम देखने मिलेगा। अगला है हाथवे केबल एंड डाटा कॉम, देखिए इसमें भी आया था ओएफएस। देखिए ओएफएस जो डेन नेटवर्क है और हाथवे केबल है दोनों रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, क्यों आया था? क्योंकि इसमें जो प्रमोटर का स्टेक था 75% से अधिक था, हाथवे केबल में लगभग 95% तक का प्रमोटर स्टेक था, डेन नेटवर्क में उसमें भी 85% के आसपास था। तो डेन नेटवर्क में 75% प्रमोटर स्टेक हो चुका है जो कि मैक्सिमम होना चाहिए, जबकि इसमें अभी भी प्रमोटर स्टेक लगभग 84% के आसपास है। इसमें ओएफएस एक बार फिर से आ सकता है, कभी भी फिर से आता है तो फिर से मैं आपको इसमें गिरावट देखने मिलेगा ओएफएस का जो प्राइस होगा वहां तक। लेकिन अभी यार बात करें तो इस स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेजी देखने मिला है। देखिए ये स्टॉक पहले भी काफ़ी मतलब महंगे हुआ करता था, लेकिन जब से इस पे कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा डेट हुआ था तो कंपनी में गिरावट देखने मिला था, लेकिन रिलायंस ग्रुप ने जब से इसमें बाय किया है तो फिर से इसमें काफ़ी तेजी देखने मिला है। तो अगर बात करें इस स्टॉक का तो ये स्टॉक लगातार कंसोलिडेट हो रहा था 30 रुपीज के आसपास, ओएफएस आया 23 रुपीज या 25 रुपीज के आसपास, वहां से ज़बरदस्त गिरावट देखने मिला। देखते हैं 22 रुपीज तक के नीचे तक ये स्टॉक गया था, तो अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते तो अभी अच्छा खासा आपको वहाँ से रिटर्न मिलता। अगर यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 30 रुपीज़ तक ये स्टॉक जाएगा, 30 रुपीज़ तो आपको अच्छा खासा वहाँ पर रिटर्न मिलेगा, 5 रुपीज़ जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, 20% का रिटर्न है, तो यहाँ से 20% तो इजीली मिल सकता है। ये 5 स्टॉक थे जिसमें अभी आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें अच्छा खासा आपको 20% से लेकर के 100% तक का रिटर्न मिल सकता है। ये स्टॉक यहाँ से डबल होने तक का पोटेंशियल रखता है, 50 रुपीज़ तक जा सकता है क्योंकि ये पहले भी जा चुका है, देखिए 57 रुपीज़ इसका हाई है, तो यहाँ से 100% तक का रिटर्न मिल सकता है, 20% तो ईजिली ये दे सकता है। अगर 2 दिन इसमें मोमेंटम बना रहा तो ये 30 रुपीज तक जा सकता है जो कि रिटर्न आपका लगभग 20% के आसपास होगा। ये 5 बेहतरीन स्टॉक है जिसमें अभी चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी रह सकते हैं। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं आगे भी देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कौन सा शेयर इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।